नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक हफ्ते का लास्ट का जो एग्जाम से पहले का समय होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर जो मेहनत करेंगे उसी से आपका रिजल्ट आएगा, और आपका रिजल्ट तब आएगा जब लास्ट के एक हफ्ते में जो आपको समय मिला है उसमें आप जो है पूरी डेडिकेशन के साथ लगेंगे, घबराएंगे नहीं। आपको अपना रिजल्ट दिखना चाहिए, आपको अपना रिजल्ट लास्ट तक भी दिखना चाहिए। प्री मेंस इंटरव्यू तक का भी जब रिजल्ट क्वालिफाई करते हो आप दिखते हो तब जाकर के आपको सफलता मिलती है, और वो मिलता है वो तभी दिखेगा जब आप सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। खास करके जो साइंस का पोर्शन है, मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के टॉपिक को एक बार उठा लीजिए, क्राउन से उठा लीजिए, चाहे आप लास्ट में जो है अब एक हफ्ता चूंकि बचा है तो आपको ज़बरदस्त रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स में आप चाहे आप लूसेंट उठा लो या क्राउन की बुक कोई भी उठा लो, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम है, उत्प्लावन बल है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, प्रत्यास्था है, उष्मा है, तरंग है, ध्वनि है, प्रकाश है, इस तरीके से जो टॉपिक दिए गए हैं इसको बस सरसरी निगाह से एक बार आपको देखना है रिवीजन के तौर पे। जब आप देखते हो एक बार और उन पॉइंटों को आप देखते हो जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी आपने निशान लगाए होंगे, तो उसको फटाफट से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, आपको इसको रिवीजन करना होगा। इसी तरीके से हम अगर बायोलॉजी के टॉपिक को देखें कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो बायोलॉजी में जो है जितने भी पाचन तंत्र है, श्वसन है, प्रसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, या फिर आपका मानव रोग है यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिकों को जो मैंने बताया अभी, कोशिका से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, चाहे जीवधारी से क्वेश्चन रहता है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, और इसको जो मैंने बायोलॉजी के बताया है यहाँ पर जाकर के आप क्या करेंगे, इन टॉपिक को जो पॉइंट आउट आपने किया है फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। और आपको अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना है, मैक्सिमम समय का यूज करिए इस समय पे, क्योंकि समय का सदुपयोग से ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को देखेंगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं इस जॉब को निकाल करके, ये आपको पता नहीं है। जब आप लक्ष्य प्राप्त करके जब जॉब पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए था। ये मेहनत आपकी छोटी दिखाई देगी जब आप सफलता प्राप्त करके जॉब को सिलेक्टेड पाएंगे तब। तो इसलिए आप जो है अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके इन टॉपिक को पढ़ें, साइंस को उठा लीजिए, एक से दो दिन में जितना रिवीजन हो सकता है कर डालिए, फिर उसके बाद अन्य टॉपिक को उठा करके रिवीजन करेंगे तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो वीडियो को यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।